biryani, chapati, parota, egg rice, noodles, which one you want? See, कितना प्यारा लग रहा है यार ये घर जो है ना, छोटे छोटे क्यूट से एंड कलरफुल। गाइस रेडी हो चुके हैं एंड अब जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर ऊटी एक्सप्लोर करने एंड आपको भी दिखाते हैं। तो चलो, ये सेकंड व्लॉग है, अगर आप नए हो तो प्लीज आप पुराना व्लॉग देख सकते हो फर्स्ट पार्ट। निकल गए हैं अपना रूम से, बाइक पे बैठ गए हैं, पीछे फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, अगर आपको देख रहा होगा तो डोटा बेटा पीछे है, तो उधर जा रहे हैं मुझे देखने। चलो आपको भी दिखाते हैं। तो यार ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया, अब पहाड़ों में पता लगता नहीं है ट्रैफिक का। एंड ये बस है, इतना सारा पोल्यूशन छोड़ रही है एंड इस साइड से ट्रैफिक का, बाइक निकलने की जगह नहीं है। तो यार बस को पीछे छोड़ दिया है हमने एंड निकल गए हैं आगे। बाकी मज़ा आ रहा है, फर्स्ट टाइम ऊटी में, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा और आपको जगह दिखा ही रहा हूँ। तो चलो इसी बात में लाइक कर दो एंड कमेंट करना, बाकी आप आगे देखो मेरी शक्ल में इतना कुछ अच्छा है नहीं, तो आप व्यू देखो। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो रहा है बट बाइक में एक फ़ायदा होता है कि आप निकल जाते हो कहीं से भी, बट कार में नहीं। जैसे कि आप देख रहे हो पीछे सारी कार्स खड़ी हुई हैं एंड हम निकल गए हैं। सो गाइस अभी यहाँ पे हम जो पीक पे जा रहे हैं उधर का एंट्री लगेगा, तो आई थिंक 40 रुपीज़ समथिंग कुछ है उसका। सो है टिकट है 20 रुपीज़ ना, 20 रुपीज़ पर व्हीकल। हाँ बाइक का 20 रुपीज़ है, गाड़ी का आई थिंक 40 है। एंड अभी हम रुके हुए हैं क्योंकि हमारा एक फ्रेंड अभी पीछे है और उसने कोई और टर्न नहीं लिया क्योंकि शुरू से वो टर्न गलत ले जा रहा आगे पीछे आगे पीछे। तो चलो वो आता है एंड बाकी दिखाता है, सामने फॉरेस्ट है मैं आपको वो दिखाता हूँ। सो ये रूट है जहाँ से हमको जाना है एंड ये सारा अपना फॉरेस्ट एरिया है। बाकी यहाँ पे एंट्री है ये गाड़ी का, बाइक का साइड में है जैसे कि टोल में होता है। ए बोरा 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 वहाँ पे है, इज कमिंग कमिंग। सो यार अपना अब मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया माइक वाइक का, मे बी साउंड सही आए। एंड अब हम जा रहे हैं पीक की तरफ एंड साइड में सारा फॉरेस्ट है एंड थोड़ा सा बूंदा बूंदी हो सकती है क्योंकि कुछ बूंदा बांदी मुझे अभी लगी, तो बारिश के चांसेस हैं, लेट्स सी होती है नहीं होती है। बाकी हम अपना यहाँ पे ऊटी के जो पीक है उसमें टॉप पे जाके आपको व्यू दिखाएंगे। यार आई डोंट नो, हमारी बाइक तो चल नहीं पा रही है, इस ऑटो में 4-5 जने बिठा रखे हैं इन दिस ऑटो एंड ये कैसे लेके जा रहे हैं, 4-5 से ज़्यादा जने थे। सो यार अगर आपको दिख रहा हो सामने व्यू काफ़ी प्यारा है, अभी मैं ऐसे कुछ दिखाता हूँ अगर आपको दिख जाए तो। यस बाकी क्लियर व्यू मैं आपको ऊपर जाके दिखा पाऊँगा, तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सामने है, यू कैन सी सामने तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है फोकस। यस दिस इज़ द पार्किंग एरिया, अब यहाँ पे हम कहीं, अभी यहाँ पे गाड़ियों की पार्किंग है, आई डोंट नो बाइक की पार्किंग कहाँ है अभी मनोज देखेगा। सो हमने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया है एंड एक और बाइक हम अपनी यहीं पार्क कर देंगे, तो ठीक है बाइक पार्किंग मिल गई है। यहाँ पे खाने पीने का काफ़ी कुछ है, तो यहाँ पे हमने टी ब्रेक लिया था, चाय पानी हो गया। सो चाय पानी हो गया, अभी थोड़ा भाई लोग बातें कर रहे हैं वो करके हम अंधे की तरफ निकलते हैं। और ये भाई हमारा गोप्रो लगा के बैठा हुआ है, फ़ोन की गोप्रो की बैटरी बचाते हुए, ठीक है फ़ोन से रिकॉर्ड करता है जस्ट लाइक मी। तो मेरे पास तो गोप्रो है ही नहीं ना। अंदर जा रहे हैं, बाकी आगे जाके दिखाते हैं क्या है क्या नहीं है। सो यार हमने एंट्री ले ली है अंदर की, टिकट प्राइस कैमरा एंड ऑल सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। भाई के कैमरे की कितना का पैसा लिया कैमरे का, 60 रुपीज़। सो कैमरे का 60 रुपीज़ है उधर लिखा हुआ था, हमने सोचा गोप्रो कैमरा नहीं है बट गोप्रो कैमरा है तो उसका भी पैसा देना पड़ा। बाकी वो कुछ टेलीस्कोप हाउस है एंड यहाँ से पूरा आपका वैली का व्यू दिखता है एंड कुछ खाने का शॉप्स। बाकी चलते हैं आगे दिखाते हैं। सो गाइस वो जो आपको आई डोंट थिंक के फोन में दिख रहा होगा बट यस हाँ ये जो दिख रहा है लाइन, ये अपना कोयम्बतूर का व्यू है,
यहाँ से लिखा हुआ है व्यू कोयम्बटूर, तो वहाँ पे एंड वो सारा पूरा अगर माउंटेन्स हैं, काफ़ी क्लियर है यहाँ से देखना, व्यू अच्छा है। सो व्हाट हैपेंड नाउ इज़ टेलिंग आई डिडंट हां कैमरा यू फॉरगॉट कैमरा ना, आई फॉरगॉट कैमरा एक्चुअली, है ना, माय बैड ना, हां वी बोथ आई शुड कॉल बिफोर 6 यस यस यू नो ना कि मैं भूल जाऊंगा राइट, तो मनोज के लिए मैं कैमरा भूल गया, सॉरी माय बैड सर। यहाँ से आप पूरा वैली का व्यू देख सकते हो, आई विल शो यू, दिस इज द वैली, पूरा पूरा अपना ऊटी है एंड कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से। अब हम जा रहे हैं ऊपर साइड में, सी गाइस हाउ इज द व्यू, तो पूरा पूरा ऊटी का व्यू है, आई थिंक आपको ऐसे ही ज़्यादा क्लियर शो होगा। तो यार अभी नीचे जा रहे हैं, कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे नीचे जाने की, गोल टोल सी बट नाइस क्यूट है, तो नीचे उतरते हैं एंड अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, वेयर इज मनोज, चलो उनको ढूंढते हैं एंड फिर पूछते हैं आगे आगे प्लान है। व्यू अच्छा है कि अगर आप आ रहे हो तो आप एक बार आ सकते हो, बट ये एक ही बार का है, दोबारा आने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप एक बार आओ और इनफ है। सो ओके लेट्स सी वेयर इज मनोज, मनोज हमें मिल चुके हैं, मनोज भैया हमको मिल गए, हम बाकी दो का वेट कर रहे हैं, हाँ सो अब दो जनों का वेट कर रहे हैं बाकी देने, उसके बाद गोइंग राइट साइड, ओके राइट दिस साइड ना डाउन, हाँ सो अभी इसके बाद हम यहाँ से, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है जैसे नीचे जाएंगे तो आपको वहाँ का दिखाता हूँ, बट ये एक बार आओ इनफ है, बार बार आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ठीक है। सो यार अब नीचे जा रहे हैं अपना, यहाँ पे देखते क्या है क्या नहीं है। सो यार अब हम नीचे आ गए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर व्यू है एंड अगर आपको दिख रहा होगा सी द व्यू, ये सारा का सारा क्लाउड है एंड नीचे अपना, उसके नीचे अपना माउंटेन एंड पूरा वैली, सी दिस इज ऑल क्लाउड एंड अपना पूरा का पूरा वैली। सो यार अंदर व्यू पॉइंट हुआ है, अब बाहर खड़े हुए हैं, बाकी फ्रेंड्स आए, मनोज एंड वन मोर गाय, देन फिर हम निकलते हैं, बाइक हमारी रेडी तो है ही। ओके दिस इज माय बाइक, ओके तुम्हें ये मिलेगा फ्री में, नेक्स्ट टू अनदर दैट बाइक इज हिज ओन बाइक। सो गाइस हम निकल चुके हैं अपना व्यू पॉइंट से एंड अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा रास्ता ऐसा है वैसा है, तो यार फर्स्ट टाइम मतलब हम ये बाइक चला रहे हैं हंटर एंड मज़ा आ रहा है एंड ठंड इतनी नहीं है यहाँ पे लेकिन ठीक है। सो यार भाई बता रहा है अपना, कहते हैं वो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना विंटर में तो यहाँ पे बारिश बहुत होता है, तो आप रेनकोट लेके आओ, और भाई हमारा 4-5 बार आ चुका है, तो अब जहाँ से हमने टिकट कराया था वहाँ पहुँच चुके हैं एंड अब यहीं से निकलेंगे। अब भाई यहाँ से नीचे जाना है हमको, बस वाला अभी बैग ले लेता ना, मेरे बैग लग जाते। गाइस क्या प्यारा व्यू है सामने, अगर आपको दिख रहा होगा ना भाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है एंड आई एम तो लाइक वेरी हैप्पी, सी कितना प्यारा लग रहा है यार ये घर जो है ना, छोटे छोटे क्यूट से एंड कलरफुल। सो यार अपना वहाँ से निकल गए थे, छोड़ा ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाया, थोड़ा थक गया हूँ, खाया कुछ है नहीं, तो अभी कुछ जा रहे खाने, तो कुछ खाते हैं फिर बाकी आगे का दिखाते हैं आपको, तो ठीक है बस जाते हैं कुछ खाते हैं तो आपको बताता हूँ क्या ऑर्डर कर रहे हैं। मम्मी बिरयानी चपाती परोठा एग राइस नूडल्स व्हिच वन यू वांट? कैरेट। तो यार ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बिरयानी ऑर्डर कर ली है एंड भाई ने कैरेट ऑर्डर करा हुआ है, ठीक है ऊटी बिरयानी ऊटी बिरयानी इट्स नॉट हैमबर्गर।
चलो ये खाते हैं फिर मिलते हैं। ओके सो यार खाना वाना हो गया अपना एंड अब हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ, थोड़ा सा मार्केट भी देख लेते हैं, पहली बार आया हूँ तू तो अभी कुछ सामान लेने आए हुए हैं तो वॉक करने का मन नहीं था, सोचा बाइक से चले जाते हैं क्योंकि थक बहुत जा चुके हैं सुबह से, कल नाइट से लग के अभी तक घूम ही रहे हैं। सो कुछ मार्केट एरिया ये भी है एंड बसेस काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा रुक रहा है। सी यू कैन सी हिल स्टेशन में हमेशा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो दैट्स व्हाई। एंड अब हम रूम की तरफ जा रहे हैं, तो ठीक है गाइस अब रूम की तरफ जाते हैं और बाकी कुछ होता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस अब हम रूम में आ चुके हैं तो काफ़ी थक चुके हैं, तो चलो इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना एंड कमेंट भी कर देना एंड शेयर भी कर देना। चलो बाय, गुड नाइट, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।